गुड इवनिंग, नमस्कार। हम अपने कार्यक्रम होम्योपैथी विद डॉक्टर जाग्वेल्क्या में आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। इस बार इस कार्यक्रम में हमारा विषय अस्थमा को लेकर है। अस्थमा या दमा एक गंभीर बीमारी है। इसके चलते करोड़ों लोगों का जीवन बहुत कठिन हो जाता है। हमारी मेडिकल साइंस ने अस्थमा पर काफी काम किया है। इस बीमारी के संबंध में होम्योपैथी की क्या स्थिति है, यही आज का विषय है। डॉक्टर याज्ञवल्क्य हमारे साथ हैं। उन्होंने अनेक विषयों में गंभीर अध्ययन किया है और डिग्रियां प्राप्त की हैं। इनमें प्रमुख है क्वांटम फिजिक्स, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, लॉ, ज्योतिष एंड होम्योपैथी। वे पिछले 20 वर्षों से भी अधिक होम्योपैथी के द्वारा लोगों की सेवा कर रहे हैं। आइए उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार गौरव जी। बहुत आज बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर आपके शो में। तो आज धन्यवाद। जी अगर आपके आगे वो क्वेश्चन का सिलसिला बढ़ाया हाँ जाए। हाँ प्लीज प्लीज आगे आगे शुरू करें। जी जी डॉक्टर याज्ञवल्क्य, क्या आप अस्थमा के बारे में कुछ बता पाएंगे कि कोई भी अपना इलाज खुद कर सके? गौरव जी, जीवन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ईश्वर की अमूल्य कृति है। तो जब भी हम किसी दवाई या दवा सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो वह उस जीवन के साथ उसकी सर्कमस्टांसेस को बदलने जैसा होता है। जी आप जी एलोपैथी सिस्टम देखें, होम्योपैथी देखें, आयुर्वेद देखें, ये हमारी प्रमुख प्रणालियां हैं। हर एक प्रणाली में एक बहुत गहन अध्ययन और बहुत गहन परामर्श किया जाता है, तब उसके बाद दवाई बताई जाती है। किसी जी भी तरह से एक आधे घंटे का, एक घंटे का प्रोग्राम सुनकर आप इस हालत में नहीं पहुंच सकते हैं कि अपने जीवन के साथ कोई खिलवाड़ कर सकें। जी हमेशा आपको एक एक्सपर्ट ही बताएगा कि किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष बीमारी में, किसी विशेष स्थिति में कौन सी दवाई लेनी है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है भी नहीं कि हम आपकी क्लिनिकल परामर्श जो होता है, उस क्लिनिकल परामर्श को किसी भी तरह से प्रतिस्थापित या सब्स्टिट्यूट करें। हमारा उद्देश्य यहाँ मूल रूप से शैक्षणिक है, ताकि आप उन संभावनाओं को जान सकें जो होम्योपैथी अस्थमा के बारे में, या जब किसी अन्य बीमारी के बारे में हम बात करेंगे, उस बीमारी के बारे में होम्योपैथी जो निदान प्रस्तुत करती है, ये उन संभावनाओं की ओर इशारा करता है। ये क्लिनिक में तय होता है, डॉक्टर अपने इंटरेक्शन से तय करते हैं कि उन विशेष परिस्थितियों में या उस विशेष व्यक्ति के लिए कौन सी दवाई कारगर है। तो ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि हमारा कार्यक्रम देखने के बाद वो अपना इलाज खुद कर पा सकते हैं। हाँ, वो जान सकते हैं कि हमारे पास ऐसी ऐसी संभावनाएं उपलब्ध हैं, और जब भी वो किसी एक प्रशिक्षित एक्सपर्ट के पास जाएंगे, तो वो उन बीमारियों का और उन दवाइयों का नाम लेकर उनसे फिर आगे के बारे में परामर्श कर सकते। जी, बहुत बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ दर्शक जुड़े जा रहे हैं, जो नए दर्शक जुड़े हैं उनको उनकी जानकारी के लिए बता दूं, आज हम डॉक्टर याज्ञवल्क्य जी से अस्थमा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। सो बेसिकली अस्थमा क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं? अस्थमा गौरव जी एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। आपके एयरवेज, जो सांस लेने के रास्ते हैं, वायु के रास्ते हैं जिनसे वो आपके लंग्स तक पहुंचती है, जब उन रास्तों में, हवा जाने के रास्तों में आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिनको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं, तो हमें अस्थमा उस समस्या को कहते हैं। उसमें आप सांस नहीं ले पाते हैं, आपको खांसी होती है, आपको वीजिंग होती है, एक सांस के अंदर आवाज आती रहती है और छाती में तनाव रहता है। जी आपकी जो सांस है वह छोटी हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है।
तो ये तीन चार अस्थमा के मुख्य लक्षण हैं। आपको कफ होगा, वीजिंग होगा, टाइटनेस ऑफ चेस्ट होगा और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। इनको हम अगर संयुक्त रूप से देखें तो इनको हम अस्थमा कहते हैं। अस्थमा के होने के हमारे पास बहुत सारे कारण हैं। या तो आपको ये हेरिडिटरी रूप से हो सकता है, यदि माता पिता को अस्थमा है तो आपको भी ये प्राप्त होता है, या जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, पोलन ग्रेन्स हैं, कोल माइंस के अंदर आप इसको कर सकते हैं, या डस्ट है। इस तरह की परिस्थितियों में जब आप देखते हैं तो उन कारणों से हमारे पास अस्थमा ट्रिगर हो जाता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जो कि हम अभी कार्डियक अस्थमा में पढ़ेंगे, वो प्योरली अस्थमा नहीं होता लेकिन सांस लेने में खिंचावट और छाती में उसमें जकड़न और दर्द रहता है, तो इस कारण से हम उसको कार्डियक प्रॉब्लम को भी अस्थमा की श्रेणी में गिनते हैं और उसको एक विशेष नाम कार्डियक अस्थमा के रूप में जानते हैं। जान सकते हैं। कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस को बहुत ज्यादा करने से भी आप अस्थमा के शिकार होते देखे गए हैं। आजकल जैसे COVID-19 के बाद से आप लोग N95 मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो सुबह एक्सरसाइज करने के लिए पार्कों में आते हैं वो एक एक्सरसाइज करते हैं और उस एक्सरसाइज में जितनी ऑक्सीजन उनके फिर शरीर को चाहिए वो उसको इनहेल नहीं कर पाते, तो ऐसे में उन्हें भी अस्थमा का मैंने अटैक होते हुए देखा है। तो जब भी आपकी सांस लेने के रास्ते में इन्फ्लेमेशन होगी, सूजन होगा और आपको सांस लेने में समस्या होगी, कफिंग होगी, वीजिंग होगी, उस समय हम उस समस्या को अस्थमा कहेंगे या दमा कहेंगे। जी। तो डॉक्टर साहब, अस्थमा कितने तरह का होता है और होम्योपैथी में इसको कैसे देखा गया है? अस्थमा को दो तरह का आप मुख्य रूप से समझ सकते हैं, कम से कम इस कार्यक्रम के नुक्ता नजर से। एक ब्रोंकाइल अस्थमा होता है और एक आपका कार्डिक अस्थमा होता है। ब्रोंकाइल अस्थमा वो होता है जिसमें आपके एयरवेज जो छोटी छोटी नलियां हैं, ब्रोंकाइज हैं, वो ब्रोंकाई आपकी इन्फ्लेम हो जाती हैं, उस समय आपको सांस लेने में मुश्किल होती है, सांस पूरी तरह से नहीं आ पाता है, आप गहरी सांस लेना चाहते हैं लेकिन वो गहरी सांस ले नहीं पाते हैं, उस अवस्था को आप ब्रोंकाइल अस्थमा कहते हैं। एक दूसरी मेडिकल कंडीशन होती है जो कि ब्रोंकाई से जुड़ी हुई नहीं होती है, आपके लंग्स से जुड़ी हुई नहीं होती है, लेकिन वो आपके हार्ट से जुड़ी हुई होती है और पर्टिकुलरली आपके लेफ्ट हार्ट फेल्योर से जुड़ी हुई होती है। लेफ्ट हार्ट फेल्योर, उसमें जो आपकी पेरिकार्डियम वाली सैक है उसके अंदर पानी भर जाता है और आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, जो कॉन्ट्रेक्शन होता है आपका वेंट्रिकुलर वो कॉन्ट्रेक्शन पूरा नहीं हो पाता। रात के समय जब आप सोते हैं और सो के सुबह उठते हैं तो उस समय सो के उठते समय आपको सांस लेने में प्रॉब्लम्स रहती हैं, रात को सोते सोते भी आपको उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन वो ब्रोंकाइल अस्थमा नहीं होता जो हमारी ब्रोंकाई ट्यूब्स के कारण, स्वेलिंग्स के कारण हो जाता है, वो नहीं होता, वो एक हार्ट प्रॉब्लम होती है जिसके कारण सांस लेने में समस्या होती है। तो नाम से हम इन दोनों को एक को कार्डियक अस्थमा कहते हैं जो हार्ट प्रॉब्लम्स के कारण है और दूसरी को हम ब्रोंकाइल अस्थमा कहते हैं। होम्योपैथी के बारे में जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया था कि होम्योपैथी कभी भी किसी बीमारी को उसके नाम से नहीं पहचानती है बल्कि उन समस्याओं से पहचानती है जो व्यक्ति महसूस कर रहा होता है। व्यक्ति से हम पूछते हैं कि आप सांस लेने में कैसी प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं तो वो अपने लक्षण बताता है, उन लक्षणों के आधार पर हम उसको एक दवाई तजवीज करते हैं, वो दवाई लेते हैं और उसकी वो समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन ये निश्चित है कि होम्योपैथी में ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसी मेडिसिन हैं जो ब्रोंकाइल अस्थमा को भी और जो कार्डियक अस्थमा को भी पूरी तरह से ठीक कर सकती हैं। हालांकि हमारे जो एलोपैथिक सिस्टम है, एलोपैथिक सिस्टम के मुताबिक
ब्रोंकाइल अस्थमा को कभी भी पूरी तरह से क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बंदिश को होम्योपैथी नहीं मानती। होम्योपैथी के मुताबिक ये वाला अस्थमा क्योरेबल होता है, ब्रोंकाइल अस्थमा। और एलोपैथी कहती है कि जिस समय आप उस कार्डियक प्रॉब्लम को एड्रेस कर देते हैं जिसके कारण आपको सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो वो आपकी कार्डियक अस्थमा ठीक हो जाता है। हमारे यहाँ उस तरह से इंटरवेंशन हम नहीं करते हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन जैसी कि एलोपैथी वाले करते हैं या सर्जन लोग करते हैं, लेकिन हम उसको दवाइयों की सहायता से हम उसको एड्रेस करते हैं। और मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव में देखा है कि हम दोनों प्रकार के अस्थमा को ठीक कर पाते हैं। जी 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 सो अगर संक्षिप्त में बोला जाए कि होम्योपैथी में सर्जरी का कोई प्रावधान नहीं है जो एलोपैथी में करते हैं। हाँ, इसमें हमारे पास क्योंकि सर्जिकल इंटरवेंशन का कोई तरीका नहीं होता, सर्जिकल इंटरवेंशन आपकी एलोपैथी की एक ब्रांच है, तो हम तो सिर्फ उस व्यक्ति के लक्षण पूछेंगे। लक्षण पूछने के बाद हम देखेंगे कि उसको कहाँ समस्या है, ये किन दूसरे लक्षणों के साथ जुड़ी हुई है, और उस जुड़ाव के आधार पर जो टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स है उसके आधार पर फिर हम एक दवाई तजवीज करें। जी 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 अगला क्वेश्चन लेने से पहले थोड़ा दर्शकों को बताइए, आप सबके क्वेश्चन लिए जाएंगे, हम सारा सारे सबके क्वेश्चन थोड़ा अंतराल के बाद लेते हैं, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाता है। सो डॉक्टर साहब, ब्रोंकाइल अस्थमा को होम्योपैथी में कैसे उपचार करते हैं, इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है? हाँ, ब्रोंकाइल अस्थमा का अर्थ जैसे कि अभी हमने देखा, आपके एयरवेज में आपके लंग्स तक जो हवा जाने का, ऑक्सीजन जाने का रास्ता है, जब उसमें सूजन आ जाती है, वो अपनी पूरी क्षमता के अनुसार ऑक्सीजन आपके शरीर में नहीं दे पाती है, तो हम उस अवस्था को ब्रोंकाइल अस्थमा कहते हैं। जी, मैं फिर दर्शकों को एक बार कहना चाहता हूं कि यहां इन संभावनाओं को समझने का प्रयास करें, इनके आधार पर मेडिसिन को फाइनलाइज करने का प्रयास ना करें। मैं सिर्फ आपको वो तरीके बता रहा हूं जो संभावनाएं हमारे पास हो सकती हैं। कई बार हमें बड़े एक्यूट अस्थमा की समस्या देखने को मिलती है, आप कुछ कदम चलने के बाद आए और दौड़ने के बाद आए और आपको अचानक ब्रेथलेसनेस तेज होने लगी और आपको लगा कि बस अब जान निकल नहीं वाली। आपको बुखार भी कई बार उसमें महसूस होता है, बड़ा सडन आउटब्रेक ऑफ अस्थमा हो जाता है, तो उस समय हम एकोनिटम नेपलस का प्रयोग करते हैं। ये वो अस्थमा है जो सर्दी से होने वाला अस्थमा है, तो या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि हम इसको ब्रोंकाइल अस्थमा को भी थोड़े थोड़े छोटे छोटे कुछ रूपों में बांट लेते हैं। जैसे पहला रूप हम ले लेते हैं सर्दी वाला अस्थमा। जी 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 तो सर्दी वाले अस्थमा में जो अचानक सर्दी के दिनों में आप देखते होंगे, जैसे कि आपका वायुमंडल का प्रेसिपिटेशन बढ़ता है, तो वहां पर लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, वो चल फिर नहीं सकते हैं और उनको खांसी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और टाइटनेस ऑफ चेस्ट की समस्याएं होने लगती हैं, उस समय सबसे पहली दवाई अचानक एकदम से होने वाला अस्थमा के लिए आप एकोनिटम नेपलस इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। दूसरी दवाई होती है जब आप अचानक एकदम से भयभीत हो जाते हैं, आपकी छाती में ऐसी फीलिंग होती है कि आप कमर के बल नहीं लेट पाते, आपको भय लगता है कि मौत आने वाली है, लेकिन फिर भी दिल नहीं करता, आपके जो मेंटल रूब्रिक्स होते हैं वो उस तरह के रहते हैं कि फिर भी आपका दिल नहीं करता कि डॉक्टर के पास जाया जाए, वो कहते हैं कि चलो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ऐसी अवस्था में जब आप कमर के बल लेट पाने में असमर्थ महसूस करते हो, उस समय हमें आर्सेनिकम एल्बम दवाई को लेना चाहिए। आर्सेनिकम एल्बम बहुत गहराई पर काम करने वाली है दवाई है। इस आर्सेनिकम एल्बम की सहायता से मैंने बहुत सारे अस्थमा के पेशेंट जिनको हेरिडिटरी प्रॉब्लम थी, जिन्हें खानदानी समय से ये चला आ रहा था, मैंने उनको भी ठीक किया है और ये एक बहुत अनमोल औषधि है। और अस्थमा जो सर्दी से होने वाला अस्थमा है,
उसका ये एक प्रमुख तरीका है। दूसरा हमारे पास है कि जो सुबह 3 बजे के आसपास अस्थमा होता है, जैसे अभी हमने जिक्र किया कि कार्डियक अस्थमा जो होता है वो कार्डियक अस्थमा आपका सोने के समय जी। आप उसको फेस करते हैं। तो हमारे पास एक कैलियम केमिकल एलिमेंट होता है जिसको हम इंग्लिश में पोटाशियम कहते हैं। तो पोटाशियम के 2 साल्ट्स हैं हमारे पास, एक कैलियम बाइक्रोमिकम और दूसरा कैलियम कार्बोनिकम। ये दोनों रात के समय या सुबह के समय जो हमें अस्थमा का अटैक होता है उस अस्थमा के अटैक के लिए ये दोनों दवाइयां बहुत कारगर हैं। सुबह 3 बजे के आसपास इनका अटैक होता है और कैली बी की पहचान यह है कि कैली बी में एक टेनेशियस बहुत चिपचिपा सा गले से ना निकलने वाला, बड़ी मुश्किल से उसको हम खकार के बाहर निकाल पाते हैं, ऐसा म्यूकस गले में रहता है। 3 बजे के आसपास इनको दोनों दवाइयों में 3 बजे के आसपास अस्थमा का अटैक आता है सुबह, और उसमें पेशेंट लेट के नहीं रह पाता है, वो उल्टा झुक जाता है आगे की तरफ। ये इसकी बड़ी पहचान है कैलियम साल्ट की कि आगे की तरफ वो झुक जाता है बिल्कुल, और तब जाके उसको रिलीफ होता है, ओंधा बैठ जाता है। मैं शायद अपनी बात कह पा रहा हूं आपसे, बिल्कुल जब उल्टा झुक कर बैठ जाएगा और तब उसको खांसी से या अस्थमा अटैक से तब उसको आराम मिलेगा, तो वो कैलियम साल्ट की पहचान है। लेकिन कैलियम साल्ट के लिए जब आप किसी प्रशिक्षित होम्योपैथ के पास जाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि इसको हम बुखार की अवस्था में नहीं देते। तो जब भी आप कोई साल्ट कैलियम का लेंगे तो उस समय उसको बुखार की अवस्था में नहीं लेंगे, ये देख लें कि जिस समय वो एस्थमेटिक अटैक रहा हो उस समय बुखार की अवस्था ना हो, तो उस समय हम कैलियम कार्बोनिकम लेंगे। कैलियम कार्बोनिकम जो होती है, कैलियम कार्बोनिकम में उसको लगता है कि बस वो अब उसकी जिंदगी डूबने ही वाली है, उसकी आंखों पर ऊपरी पलकों पर बड़ा भारी भारी बोझ सा रहता है और वो बड़ा जिद्दी सा हो जाता है, उसे कितना भी कहो वो आपकी कोई बात मानेगा नहीं उस समय, और उसको जो दर्द महसूस होता है वो दर्द आम इंसान से ज्यादा महसूस होता है, वो दर्द के प्रति ओवर सेंसिटिव हो जाता है। ऐसी अवस्था में हम उसको कैलियम कार्बोनिकम देते हैं। लेकिन जब आपको छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में सिर पर या माथे पर या यहाँ ये ग्लाबेला कहते हैं इसको, इस जगह पर जब दर्द होने लगता है तब हम उसको कैलियम बाइक्रोमिकम देते हैं। तो ये 2 दवाइयां हैं हमारे पास, कैलियम के 2 साल्ट हैं, कैलियम बाइक्रोमिकम और कैलियम कार्बोनिकम। इन दोनों के बीच के बारीक अंतर को केवल एक होम्योपैथी डिसाइफर कर सकते हैं जी। आप तो सिर्फ ये देखेंगे कि जिस समय सुबह 3 बजे के आसपास आपको किस तरह का अस्थमा हो और आपको उठ के बैठना पड़े, आगे झुकना पड़े ताकि आपको रिलीफ मिले, तो उस समय आप इन कैल्शियम साल्ट को दोनों को देंगे जी। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा अस्थमा रहता है जो आपके वर्क प्लेस से जुड़ा रहता है। कुछ लोग आपने देखा होगा पुराने समय में रुई ढूंढने का काम करते थे जी। कुछ लोग आजकल केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कुछ लोग सड़क बनाने का काम करते हैं, या अप्रैल मई में आपने देखा होगा जिस समय किसान अपनी गेहूं की फसल काटते हैं तो उस समय वहां पर गेहूं के भूसे के बहुत छोटे छोटे कण उड़ने लगते हैं, धूल भरी आंधियां चलती हैं, या खानों में काम करने वाले लोग होते हैं जहां इस तरह का एक ट्रिगर आपके पास हो जो आपके अस्थमा को उभार रहा हो, उस ट्रिगर वाले अस्थमा से, कार्यस्थल पे होने वाले अस्थमा से पार पाने के लिए 2 बहुत बेहतरीन दवाइयां हमारे पास हैं। एक कार्डस एम होती है, कार्डस एम जब आपका ब्रोंकाइल अस्थमा आपके साथ के साथ साथ उसमें लीवर एबनॉर्मलिटीज वाली कंडीशंस भी आ जाती है तब कार्डस एम हमारे पास होता है, और उसमें लीवर कंप्लेंट्स होती हैं जो आपकी दाहिने तरफ वाली रिब्स होती हैं उन दाहिने रिब्स के अंदर भी उसको दर्द होता है, पीछे स्कैपुला में दर्द होता है, स्कैपुला माने जो आपके हाथ की हड्डी है पीछे, ट्रायंगुलर हड्डी होती है कंधे के पीछे की तरफ,
जब वहां पर दर्द होता है तो उसके लिए हम कार्डस एम का प्रयोग करते हैं। दूसरी दवाई इसके अंदर हमारे पास नेट्रम आर्सेनिकोसम होती है। नेट्रम आर्सेनिकोसम माइनस डिजीज के लिए बहुत सारे होम्योपैथ इसको एज ए डिफॉल्ट मेडिसिन प्रयोग करते हैं। जब भी कहीं आप धूल भरे स्थान में काम करेंगे, जब भी कहीं आप पोलन ग्रेन्स वाले स्थान में काम करेंगे, कहीं सड़क बनाने वाले स्थिति में काम करेंगे, उनके आसपास ऐसी परिस्थितियों में काम करेंगे जहां बहुत धुआं होता हो, तो उस समय आप इनको नेट्रम आर्सेनिकोसम दवाई वहां इस्तेमाल करेंगे। नेट्रम आर्सेनिकोसम एक ऐसी दवाई है जिसमें अस्थमा के साथ साथ उसको सिर में दर्द भी होता है, और जो आपका रूट ऑफ द नोज होता है, ये वाला जहां आंख और नाक आपस में जुड़े रहते हैं, इस स्थान पर दबाने से उसको बहुत आराम मिलता है, यहाँ उसको खुश्की रहती है और अंदर उसको लगता है कि जैसे मुझे अंदर से चिकना कर लेना चाहिए, उसके नाक अंदर से बिल्कुल खुश रहती है। जी, तो बच्चों में भी आमतौर से जो लक्षण पाए जाते हैं वहां भी हम नेट्रम आर्सेनिकोसम दवाई का इस्तेमाल करते हैं। नेट्रम माने जो आपके यहाँ सोडियम केमिकल एलिमेंट आपका होता है, जो हम पिछली बार भी देख रहे थे कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, वो किस किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं होम्योपैथी में, तो वहां पर नेट्रम आर्सेनिकोसम सोडियम आर्सेनिक की जो दवाई है उसको हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं। एक विशेष अस्थमा होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिन्हें अगर आप सी फूड खिलाए तो वो सी फूड खाते ही और कुछ मुश्किलों से गिर जाते हैं, सांस नहीं आता है, या कई बार होता है कि उनके स्किन पे रैशेज हो जाते हैं, दांत जैसे बन जाते हैं बड़े बड़े और उसमें खुजली होने लगती है, इचिंग होने लगती है। तो जब भी हम बरसात में या पानी के आसपास पैदा होने वाली वनस्पतियों को या पानी के अंदर पैदा होने वाले जीवों को इनके संपर्क में आते हैं, इनको खाना शुरू करते हैं, तो ये दवाई हमारे शरीर के ऊपर कुछ बुरे प्रभाव डालती है। वो आपके श्वसन पर हो सकता है, ब्रीदिंग पर हो सकता है, आपकी स्किन पर हो सकता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर हो सकता है, आपके लिवर पर हो सकता है। जब भी ऐसी समस्या हो, बरसात या भरा हुआ पानी वो आपको समस्याएं पैदा करता हो, तो उस अस्थमा के लिए हम नेट्रम सल्फ का इस्तेमाल करते हैं। नेट्रम सल्फ इसकी एक रामबाण औषधि है, लेकिन इसके लिए नेट्रम सल्फ को जब हम बताते हैं कि आप नेट्रम सल्फ का इस्तेमाल करें, साइनस के लिए भी नेट्रम सल्फ बहुत कारगर औषधि है, तो इसके लिए लेकिन अंतिम निर्णय आपके डॉक्टर का है। जब आप उन्हें जाकर बताएंगे तब मुझे ये खाने खाने से प्रॉब्लम होती है, और जैसे ही बरसात आती है, जैसे ही मेरे पास नमी वाले जगहों पर मुझे जाना होता है, जैसे ही मैं सी फूड खाता हूँ, तो मेरे साथ ये समस्याएं आती हैं, उस समय हम नेट्रम सल्फ का इस्तेमाल करेंगे। और नेट्रम सल्फ एक ऐसी दवाई है जो बहुत बीमारियों में एक चमत्कारी काम कर चमत्कारी काम तो नेट्रम सल्फ है। कुछ ऐसे घर होते हैं जो बहुत पुरानी जगहों पर होते हैं, या आपके अंडरग्राउंड बेसमेंट्स बनी होती हैं, छोटी छोटी कोठरियां बनी होती हैं, उनमें सीलन और अंधकार सीलन भी होती है और अंधकार भी लगी अंधकार भी होता है नमी और सीलन वाली जगहों पर। और आपने देखा होगा कि इवन दीवारों पर फफूंद जैसी चीजें भी आ जाती हैं, काले काले निशान पड़ जाते हैं, विज्ञापनों में भी आजकल कई बार दिखाया गया है। तो उन जगहों पर रहने वाले लोगों को भी अस्थमा ट्रिगर होता है, और उन जगहों पर जब ट्रिगर होता है अस्थमा, तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत शानदार दवाई है, और आप उस दवाई के बारे में मैं कुछ और भी बात बताऊंगा तो आप सुन के मुस्कुराएंगे। वो दवाई है ब्लेटा ओरिएंटालिस। ऐसा ब्लेटा जो ओरिएंटल साइड में यानी कि पूरब साइड में मिलता हो, हमारे पास होम्योपैथी में दो ब्लेटाज होते हैं, एक ब्लेटा ओरिएंटालिस, एक ब्लेटा
अमेरिकनस, तो जो पश्चिम की तरफ है वो अमेरिकनस वाला है और जो हमारे पास है वो ओरिएंटलिस्ट वाला है। कहते हैं कि एक बार किसी व्यक्ति को अस्थमा था और उसे गलती से एक ऐसी चाय पिला दी गई जिसमें चाय वाले ने ध्यान नहीं दिया और उसमें कॉकरोच भी उबल कर उस चाय में उस व्यक्ति को चला गया। जी, उस व्यक्ति ने देखा कि उसका जो अस्थमा का अटैक पड़ा हुआ था वो अस्थमा का अटैक ठीक हो गया उस चाय को पीने से। जब उसके बारे में और पीछे की तरफ इन्वेस्टिगेट किया गया तो देखा गया, अरे वो जो चाय पी थी उस चाय में तो बेसिकली हमने एक कॉकरोच को उबाल के पी। जी तो ब्लैटा ओरिएंटालिस जो होता है वो हिंदुस्तान में पाया जाने वाला कॉकरोच है, तो जी ये दवाई उस ब्लैटा ओरिएंटालिस से बनाई जाती है। लेकिन जब अभी हमने बात की थी आर्सेनिकम एल्बम की, कि आर्सेनिकम एल्बम एक बड़ी रामबाण औषधि होती है अस्थमा के लिए, जी जब जी आपके सिम्टम्स आर्सेनिकम को इंडिकेट कर रहे हो लेकिन आर्सेनिकम से उसमें लाभ नहीं मिल रहा हो, है ना, जब आप देखेंगे उसका सेट बनाएंगे, उसका क्वेश्चनर तैयार करेंगे, तो आप देखेंगे कि सारे के सारे सिम्टम्स वो हैं जो आर्सेनिकम एल्बम से ठीक होने चाहिए लेकिन आर्सेनिकम एल्बम देने के बावजूद उसका अस्थमा ठीक नहीं हो रहा। तो जी ऐसी जगह पर हम उस समय ब्लेटा ओरिएंटालिस को देते हैं और ये देखा गया है कि पेशेंट जो अस्थमा के हैं वो पेशेंट चमत्कारिक ढंग से ठीक हुए हैं, उन्होंने रिकवर किया है और वो अपनी पूरी तरह से क्योर हो गए। तो ये मुख्य दवाइयां हैं जो हम एक ब्रोंकाइल अस्थमा में प्रयोग करते हैं। बस इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना है अपने कैडियम साल्ट वाले पे जो सुबह 3 बजे के आसपास होता है, क्योंकि ये जो कैडियम साल्ट वाले हमारे केसेस होते हैं ये कई बार कार्डियक अस्थमा के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो सके इसके लिए एक एक्सपर्ट की जानकारी में सारी की सारी चीजें लानी जरूरी होती हैं, उन्हें बताएं और होम्योपैथिक दवाओं का लाभ उठाएं, देखें कि कितनी चमत्कारी कोशिश होती है। जी जी, बहुत बढ़िया। जैसे अभी हमने बात की ब्रोंकाइल अस्थमा की, उसकी आपने बहुत विस्तृत जानकारी दी कि कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसकी। लेकिन अपने दर्शकों को हम एक बार फिर बता दें, कुछ भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले अपने होम्योपैथ या डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। डॉक्टर साहब, अब कार्डियक अस्थमा को हम होम्योपैथी में कैसे ट्रीट करते हैं? अभी हमने पहले डिस्कस किया कि होम्योपैथी में कोई सर्जरी का कोई प्रावधान नहीं है, तो इसके अलावा हमारे पास क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या मेडिसिन है जिसके कारण हम जिसके साथ हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं? गौरव जी, हमारे पास होम्योपैथी में बस एक ही तरीका है कि हम पेशेंट से बात करते हैं, उसकी टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स देखते हैं, टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स, जी उसके शारीरिक सिम्टम्स क्या हैं, उसके मानसिक सिम्टम्स क्या हैं, उसके इमोशनल सिम्टम्स क्या हैं, उन सिम्टम्स को कोई एक मेडिसिन एड्रेस कर रही होगी, हमें वो जी मेडिसिन ढूंढनी होती है। वो मेडिसिन ढूंढने के बाद हम उस मेडिसिन को जब उस व्यक्ति को देंगे तो उसको अपनी बीमारी में या उसकी जो भी समस्याएं हैं उसमें उसको आराम मिले। जी अब बात आती है हमारे कार्डियक अस्थमा की, तो कार्डियक अस्थमा अपने आप में अस्थमा नहीं होता उस सेंस में जैसे कि ब्रोंकाइल अस्थमा होता है, आपके एयर पैसेजेस इसमें स्वेल नहीं हुए होते हैं, बल्कि आपके हार्ट में, अगर मैं थोड़ा सा समझा पाऊं, कोई चित्राज उपस्थित नहीं हो पाया इसमें, जब आप हार्ट को इसका एक क्रॉस सेक्शन करेंगे तो इसके जो सबसे अंदर की सतह होती है उस अंदर की सतह को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोकार्डियम कहते हैं, उसके बाहर की जो सतह है, जो बीच की सतह है, जो मोटा सा हिस्सा होता है, जो दीवार की थिकनेस होती है दिल की, उसको मायोकार्डियम कहेंगे, और जो उसके सबसे बाहर का हिस्सा होता है उसको एपिकार्डियम कहेंगे।
एपिकार्डियम तक का जो हार्ट है वो एक सैक के अंदर रहता है जिसमें फाइबरस लिक्विड से भरा होता है, और इस सारे को जो सबसे बाहर की तरफ देखेंगे वो पेरिकार्डियम। तो हार्ट प्रॉब्लम में इस सैक के अंदर जब पानी भर जाता है और हमारा दिल जो है वो कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन वाली परिस्थिति में पूरी तरह से नहीं आ पाता है, जो ऑक्सीजन सप्लाई हमारे शरीर को दी जानी चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो ये कार्डियक इस्मा का केस बन जाता है। एंडोकार्डियम में जब समस्याएं होती हैं उसके लिए होम्योपैथी में एक दवाई है कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। हम कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस को उस समय कॉल करते हैं। कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस के केस में आप देखेंगे जितनी आर्टरीज होती हैं आर्टरीज के अंदर बहुत सारा प्लाक पाया जाएगा, उनमें कंजेशन रहेगा, और आप बता देते हैं जिसको आप सामान्य भाषा में कहते हैं कि ब्लॉकेज हो जाता है, वो ब्लॉकेज रहेगा, और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड होता है शरीर में वो अनइवन हो जाएगा, कभी वो ज्यादा और कभी वो कम वाला रहेगा। तो जब ऐसी स्थितियां होती हैं उस समय आपका कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस को करते हैं। उस व्यक्ति को हमेशा बहुत एंजाइटी रहेगी, जब भी अकेला होगा वो बहुत चीखेगा, उसे फियर ऑफ डेथ लगा रहेगा, और उसके हार्ट में एक सख्तपन आ जाएगा जिसको आर्टेरियो स्क्लेरोसिस कहते हैं, उसकी धमनियां बहुत कठोर हो जाएंगी, उसको बहुत तेज नब्ज धड़केगी, वायलेंट पेल्पिटेशन होगा, और जब वो अपनी लेफ्ट साइड पर लेटने की कोशिश करेगा तो उसे प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। तो लेफ्ट साइड ना लेट पाने का जो पहचान है ये कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस की पहचान जी है। यह एक अकेली दवाई है जो लो ब्लड प्रेशर को अपनी पहचान के रूप में बताती है। पूरी एलोपैथी में मैंने नहीं देखा कि कोई दवाई उसको लो ब्लड प्रेशर से बाहर निकाल पाती हो परमानेंटली, लेकिन इसमें बहुत सारे पेशेंट्स को हम डेली ट्रीट करते हैं जो लो ब्लड जी प्रेशर से प्रभावित होते हैं, तो उनके लिए कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस एक रामबाण दवाई है, और ये आपके कार्डियक अस्थमा के उस केस को जो आपके एंडोकार्डियम को प्रभावित करता है उस केस में ये एक रामबाण तरीका है। जी एक जी दूसरी दवाई हमारे पास होती है जिसे हम डिजिटलिस परप्यूरा कहते हैं। डिजिटलिस एक ऐसी दवाई है जो मायोकार्डियम से रिलेटेड है, जो उसका बीच का हिस्सा होता है दिल वाला, जो वॉल्यूमिनस पार्ट होता है वो मायोकार्डियम होता है। तो जब इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें प्रॉब्लम जो आपका ऐसे नोड होता है वहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होता, चार्ज ट्रांसमिशन प्रॉपर नहीं होता, जी आपके पेस मेकर से प्रॉब्लम आने लगती है, तो ये सारा का सारा वो पोर्शन है जिसको हमारे डिजिटलिस एड्रेस करती है। तो जी इस समय आप देखेंगे कि डिजिटलिस के साथ साथ आपके लीवर में भी प्रॉब्लम होने लगती है, आपके चेहरे पे पीलिया के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जॉन्डिस के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, ऑरिकुलर फ्लटर और फिब्रिलेशन हो जाता है, ये आपके होम्योपैथ समझा पाएंगे। ये एक ईसीजी में हम उसको देख के पहचान सकते हैं कि वहां पर फ्लटर है या फिब्रिलेशन है, जब आप ईसीजी अपना डॉक्टर को दिखाएंगे तो देख के उसको पहचान जी जाएंगे। और डिजिटलिस के पेशेंट को जब भी वो चलता है, चलने के बाद उसकी सांस फूलने लगती है और उसको लगता है कि यदि वो एक भी कदम चला तो मर जाएगा, जी उसके जीवन पे खतरा आ जाएगा। डिजिटलिस की पहचान यही है कि उसका पेशेंट चल नहीं पाता। हमने कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स के बारे में जेलसेमियम की बात की थी, जेलसेमियम भी कार्डियक अरेस्ट को कार्डियक अस्थमा को एड्रेस करता है, लेकिन जैल्सीमियम की पहचान होती है कि उसको लगता है कि यदि वो रुका तो मर जाएगा, वो लगातार चलते रहना चाहता है। डिजिटलिस की पहचान ये होती है कि यदि वो चला तो मर जाएगा,
उसको लगातार रुकने की जरूरत होती है। तो इस तरह के जो डिफरेंसेस होते हैं, इस तरह की जो पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस होती हैं दवाइयों की, वो सिर्फ एक एक्सपर्ट ही पहचान सकता है। यदि हम किसी लेमेन के हाथ में सौंप देंगे तो वो एक अर्थ का अनर्थ कर पाएगा और लाभ होने की अपेक्षा उसको हानि होने की संभावना होगी। तो डिजिटल इसको हम उन परिस्थितियों में इस्तेमाल करते हैं जब व्यक्ति थोड़ा सा चले तो उसके सांस फूल जाती है और वो रुक जाना चाहता है, वो चलना नहीं चाहता, वो छोटी छोटी सी बातों को सुनकर एकदम से घबरा जाता है। मेरे पास एक पेशेंट थे अभी इसमें, जिन्हें मैंने डिजिटलिस्ट दिया था, उन्हें 4 बार ओटी से वापस लाया गया था और वो ओटी को देखते ही घबरा जाते थे, उनके बीपी इरेगुलर हो जाता था और वो डर के वहां चीखना चिल्लाना शुरू कर देते थे, और वो रिटायर्ड व्यक्ति थे तो ओटी को देखते ही वो इतना घबरा जाते थे। तो जब उन्होंने देखा कि वो किसी भी तरह से जो उनकी कंडीशन है ओटी वालों की, वो पूरी नहीं कर पा रहे, तब उन्हें होम्योपैथी के लिए मेरे पास लाया गया और वो मुझे लगता है कि आज बहुत हष्टपुष्ट हो गए हैं और अच्छा स्वास्थ्य एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि रिटायर हो चुके हैं तो घूमने फिरने दूर दूर तक जाते हैं। तो हमारे पास ऐसे तरीके और उनके ऐसे लक्षणों को नोट करने के तरीके रहते हैं जिसके द्वारा हम इन दवाइयों का बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। जी, बहुत 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 महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। बल्कि अगर तो आप कहें तो मुझे कुछ याद आ रही है, जी जैसे आपका लोबेलिया इंप्लाटा है, कील सीरम है, या आइबरिस अमारा है, ऐसी जी और भी बहुत सारी हमारे पास दवाइयां हैं जो अपने छोटे छोटे रूब्रिक्स में अंतर के साथ चलते हुए हमारे कार्डियक अस्थमा को एड्रेस करती हैं। जी जी क्यू ब्रेको एक दवाई होती है जो बहुत रेयरली इस्तेमाल की जाती है, तो क्यू ब्रेको है। ये हमारे जी पास हैं दवाइयां जो ये दम भरती हैं और ये कह सकती हैं और ये दावा कर सकती हैं कि दे कैन एड्रेस द कार्डियक अस्थमा एंड दे कैन क्योर इट प्रॉपरली इफ गिवन अंडर ए प्रॉपर गाइडेंस बाय एन एक्सपर्ट। जी 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 बहुत 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 महत्वपूर्ण जानकारी। तो समय हमारे पास बहुत ही कम है, तो हम अपने दर्शकों को कुछ कुछ प्रश्न ले लेते हैं दर्शकों के। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, सो इज अस्थमा मोर कॉमन इन चिल्ड्रंस और अडल्ट्स? तो आज की अस्थमा जो है वो ज्यादातर किसमें पाया जाता है? अभी हमने जैसे बात की कि अस्थमा के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक हेरिडिटरी हमारे पास लक्षण होता है कि माता जी पिता से अस्थमा मिला है तो वो तो हमें बचपन से ही दिखाई देने लगता है, क्योंकि जी बच्चों के लंग्स बहुत सेंसिटिव होते हैं तो दे समटाइम्स रिएक्ट टू द पोलेंस एंड डस्ट एंड स्मोक। तो इनके लिए अभी मैंने आपसे बात की कि आप नेटरम सल्फ का प्रयोग करते हैं एज ए डिफॉल्ट रेमेडी, आप उनको दे सकते हैं, लेकिन हम इसमें वही एक सामान्य समस्या फिर दोबारा अनुभव करते हैं कि हम इसमें कोई भी क्लास फॉर्मुलेशन नहीं कर सकते। हम ये नहीं बता पाएंगे कि यह बच्चों में अधिक होता है या बड़ों में अधिक होता है या महिलाओं में अधिक होता है या पुरुषों में अधिक होता है। इस प्रकार की स्टडी जो है एलोपैथी में आमतौर से की जाती है। हमारे पास तो सिर्फ एक तरीका है, सामने बैठा हुआ व्यक्ति वो किस तरह से इंडिकेट कर रहा है तो हम उसको उसी तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। करते हैं। जी। सो व्हाट इज द सिम्टम ऑफ अस्थमा? ओके, ये तो आपने डिस्कस कर ही लिया, तो अमित जी को उनका आंसर तो मिल ही गया होगा। और संजीव जी कह रहे हैं, जीवनदायिनी महत्वपूर्ण जानकारियां। तो धन्यवाद संजीव जी, इसी प्रकार हमारे से जुड़े रहिए और महत्वपूर्ण जानकारी हम और आने वाले टाइम में और महत्वपूर्ण विषयों पर डिस्कस करेंगे। तो डॉक्टर साहब, एक रह रहे के क्वेश्चन आ रहा है जो हमारे एक ऑफलाइन दर्शक ने पूछा है। उन्होंने कहा है कि उनको साइनस है, तो इस साइनस स्टार्ट ऑफ अस्थमा? नहीं, साइनस अस्थमा का स्टार्ट नहीं होता। साइनस के हमारे पास यहाँ पर कुल मिला के 8 पॉइंट्स होते हैं,
जी और उनमें से जब आपका म्यूकस ज्यादा जमने लगता है तो उस अवस्था को हम साइनस कहते हैं, और जो आपका अस्थमा होता है ये आपके लंग्स से रिलेटेड होता है। जी साइनस आपके नाक से संबंधित, जो यहाँ सुराख होते हैं उनसे संबंधित ये बीमारी है। जी लेकिन हम इसको अस्थमा और साइनस ना कहते हुए, हमारे पास साइनस के लिए भी, जैसे अभी मैंने दो तीन दवाइयों का नाम लिया था, नेट्रम सल्फ का नाम लिया था। नेट्रम जी सल्फ पूरे एयर पैसेज, जितना भी हमारा पूरा एयर पैसेज होता है फ्रॉम नोज टू लंग्स, वो जी सारे के लिए हमारे बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। और एक रामबाण औषधि है अपने आप में, नेट्रम जी सल्फ का प्रयोग कर सकते हैं। एक दवाई पुलसा टिला आती है, पुलसा टिला के बारे में आप कर सकते हैं। जी कैलियम बाइक्रोनिकम, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि सुबह 3 बजे वाले अस्थमा के लिए हम प्रयोग करते हैं, कैलियम बाइक्रोनिकम भी हमारे पास नेजल साइनस के या साइनोसाइटिस के बारे में एक महत्वपूर्ण दवाई है। तो जी हम इन दवाइयों के तरीके से, और इसका सबसे बेहतर तरीका होता है या तो अपने पूरे के पूरे लक्षण लिख कर आपको भेज दिए जाएं और आप यहाँ बैठ के इस पर चर्चा करें, या फिर जो हमारे दर्शक मित्र हैं ये जी किन्हीं एक्सपर्ट के पास जाकर अपनी पूरी जानकारियां बताएं। लेकिन जी साइनस को होम्योपैथी एक पूरी तरह से एड्रेस कर देती है और उसको जी हमेशा के लिए क्योर भी कर देती जी 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 सो है। जी अगर सच्ची शब्द में बोला जाए, साइनस और होम अस्थमा दोनों एक जी जी अलग अलग डिजीज हैं। जी जी हाँ, ये जी दोनों जी अलग अलग डिजीज हैं। जी 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 कुछ हमारे दर्शक है जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है, कुछ को गर्मियों में ज्यादा एलर्जी होती है, कुछ कुछ एलर्जी उनके सांस से रिलेटेड, उनकी सांस चढ़ने लगती है, कुछ को सर्दियों में ज्यादा होती है। तो ये एलर्जी अस्थमा का एक लक्षण है या एलर्जी भी हाँ अलग? हाँ 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 अभी जैसे हमने बात की थी इसमें कि कुछ ट्रिगर्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स हैं आपके, फ्यूम्स हैं आपके, धूल है, भूसा है, ये ऐसे ट्रिगर्स हैं जो आपके एयर पैसेज को इन्फ्लेम करते हैं। जी। जैसे ही एयर पैसेज आपका इन्फ्लेम होगा, आपको अस्थमा, कफिंग शुरू हो जाएगी, वीजिंग शुरू हो जाएगी, माने उसमें सांस लेने में आपको आवाज आने आनी शुरू हो जाएगी और आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आनी शुरू हो जाएगी। ये सारे के सारे ट्रिगर्स हैं जिनको हम एलोपैथी में एलर्जी कहते हैं। जी अच्छा, एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि इनके प्रश्न से मुझे याद आ गई, हमारे पास एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि जिन जिन व्यक्तियों को स्किन डिजीजेज होती हैं, और स्किन डिजीजेज को हम दवाइयों के सहारे या एंटीबायोटिक्स के सहारे या ऐसे किसी तरीके से सप्रेस करते रहते हैं, उसको बाहर नहीं निकलने देते। जी देखिए, अगर आपको इरप्शन होगी, आपको फोड़े फुंसियां निकलेंगे, तो ये किसी न किसी आपके इंटरनल प्रॉब्लम के कारण निकलेंगे। आप जी इंटरनल प्रॉब्लम को तो एड्रेस नहीं कर रहे हैं, और जो बाहर निकलने वाली स्किन डिजीजेज हैं उनको सप्रेस कर दे रहे हैं। 80% ऐसे केसेस में आप धीरे धीरे अस्थमा डेवलप कर लेते हो। जी तो हम लोग जो बहुत आराम से क्या करते हैं, स्किन डिजीज और स्किन क्रीम्स लगा लेते हैं, स्किन क्रीम से हम किसी भी निकलने वाली समस्या को दूर कर देते हैं, दबा देते हैं, सप्रेशन कर देते हैं, वो जी ऐसा ना करें। अपने सही रोग का इलाज कराएं, क्योंकि अगर सही रोग का इलाज नहीं होगा तो वो जो चीज आपके निकलना चाहती थी और आप उसको निकलने नहीं दे रहे हैं, तो वो अगर स्किन के रास्ते से नहीं निकलेगी तो दूसरे रास्ते से निकलेगी, और वो दूसरा रास्ता हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, अस्थमा बन के वो बाहर निकल, ये ऐसा देखा गया है। तो ये अपने दर्शकों को आप बता सकते हैं कि अगर कहीं कोई स्किन प्रॉब्लम है तो उसका इलाज कराएं, उसे सप्रेस ना करें। जी। अभी अच्छा, अभी इस एपिसोड का हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। एक प्रश्न है हमारे ऑफलाइन यूजर का, वो ये पूछना चाहते हैं, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन माइग्रेन एंड अस्थमा? अस्थमा और माइग्रेन में कुछ? माइग्रेन में भी ए साइड इफेक्ट ऑफ अस्थमा,
लेकिन डायरेक्टली, क्योंकि माइग्रेन इज रिलेटेड टू योर सेरेब्रो स्पाइनल एक्सेस, आपके नर्वस तंत्र की बीमारी है, नर्वस जी सिस्टम की बीमारी है, स्नायु तंत्र की बीमारी है, और जी अस्थमा आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है। जी ऐसा हो सकता है कि अस्थमा से जो आपको तनाव पैदा हुआ हो उससे माइग्रेन डेवलप हो जाए, लेकिन ज्ञात परिस्थितियों में या ज्ञात स्टडीज के आधार पर माइग्रेन और अस्थमा के बीच में ऐसा कोई संबंध जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हो या एक दूसरे को ट्रिगर करते हो, मेरी जानकारी में नहीं। जी। एक और प्रश्न आया है। अभी ये आई थिंक एलोपैथी से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, ये इनहेलर लेते हैं, तो जी इनका क्वेश्चन है हाउ टू सर्वाइव एन अस्थमा अटैक इफ यू आर कॉट विदाउट योर इनहेलर। जी अभी मैंने निवेदन किया था, जो सबसे पहली दवाई हमने कही थी, पिछली बार भी आपने एक प्रश्न मुझसे पूछा था कि SOS के रूप में क्या हम कोई दवाई का इस्तेमाल होम्योपैथी में कर सकते हैं। जी हम जी SOS के रूप में, और मैंने तब निवेदन किया था कि हम SOS के रूप में कोई ऐसी प्रेस्क्राइब मेडिसिन नहीं है, लेकिन कोई भी बीमारी यदि आपको एकाएक घटित हो जाती है, आपके सामने आ जाती है और आप एक सही इलाज की अवस्था तक पहुंचने का टाइम आपके पास नहीं होता, तो उन परिस्थितियों में आप एकोनिटम नेपालस इस दवाई को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम सामान्य भाषा में एकॉन भी कहते हैं। एकॉन का 1 ml थोड़े से पानी में डालकर उसके 5 ड्रॉप्स आप ले लीजिएगा और आपको वो इतना पर्याप्त समय दे देगी, हार्ट अटैक भी होगा तो उसको भी वो वहां तक तो ले ही जाएगी कि आप डॉक्टर के सामने जाके अपनी बात को सही तरीके से रख सके। एकोनिटम नेपालस इज नॉट ए क्योर, जी ये सिर्फ प्रिवेंशन है उस चीज का जो आपको एकाएक घटित होगी। तो इसको क्योर मान के ना चलें कि अगर आपने आज वो ले लिया है तो एंजाइना पेक्टोरिस से या अस्थमा से आपको रिलीफ हो गया है या माइग्रेन से रिलीफ हो गया है, ऐसा ना मान के चलें। सिर्फ ये मान के चलें कि इसने उस अटैक को उस समय, फॉर द टाइम बीइंग, इट हैज मैनेज्ड इट, बट नाउ यू हैव टू गो टू द डॉक्टर एंड टेल हिम एवरीथिंग सो दैट इट कैन बी क्योर्ड, प्रिकॉशनरी मेजर्स शुड बी टेकन। डॉक्टर साहब, एक हमारे दर्शक हैं जो काफी टाइम से हमारे साथ जुड़े रहे हैं। उनका एक टॉपिक है कि अगले अगर हम कोई एपिसोड फिट्स के ऊपर किया जाए। हाँ, फिट्स के बारे में किया जा सकता है और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि अगली बार या उससे अगली बार हम इसको अपने नोट कर लेते हैं और जैसे ही संभावना होगी हम इस बारे में एक नया एपिसोड अवश्य करेंगे। वैष्णो जी, आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। हम भविष्य में आने वाले एपिसोड में एक फिट्स के बारे में एपिसोड जरूर करेंगे। अभी हमें समय और ज्यादा नहीं दे रहा डॉक्टर साहब। आज का एपिसोड क्लोज करते हैं, कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर याज्ञवल्क्य, जो निरंतर हमारे साथ हर एपिसोड में आते हैं और हम कोई नया 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 टॉपिक जिसपे हम डिस्कस करते हैं। आज का एपिसोड जो हमने अस्थमा के ऊपर किया है, आज हमने देखा कि होम्योपैथी अस्थमा के मामलों में भी एक सार्थक सहायक के रूप में आपके पास मौजूद रहती है। जब भी आप ऐसी समस्या से जूझ रहे हो, अपने पास स्थित किसी भी एक्सपर्ट के पास आप जा सकते हैं और जो भी दवाई वे बताएं उसके द्वारा अपने अस्थमा पर आप काबू पा सकते हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड हम कंक्लूड करते हैं। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक विद न्यू टॉपिक। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।